हमारे एक साथी यूट्यूबर पटना बिहार से आए हुए हैं और आज सारा दिन हमें उनको होस्ट करना है, पुरानी दिल्ली के खाने खिलाने हैं। वो भी एक कूड़ी है, थोड़ी दूर के बाद खड़े हुए हैं, वहाँ चलते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर आपके साथ उनको लेकर चलते हैं बड़े अनऑफिशियल तरीके से ग्लोबल सेंटर अनऑफिशियल पर जामा मस्जिद। फिर मैंने उनसे कहा था कि चावड़ी बाज़ार बड़े शाहुल्ला चौक पर आप मेरा वेट कीजिए, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आपको भी देखा है यार कहीं फटाफट? हाँ मैं कह रहा हूँ देखा है तो चाहिए भाई। दो महाराथी आ गए हैं, फूड के ऊपर सारी तबाजमाई करेंगे, सारा दिन करेंगे और हम यहीं साथ रहेंगे, आप भी साथ रहिएगा। आपका जो हैदराबाद में जो शादी, विपिन भाई इनका फूड का चैनल है फूड फटाफट, आप भी पटना से ही हैं? नहीं नहीं मैं जो है ये बहुत तेज आदमी है, ये हंसते हंसते सारे काम कर लेते हैं, इनके चैनल का नाम भी फूडी रॉबिन है। इन्होंने ये अपने औजार औजार निकाल लिए भाई, तब शुरू कीजिए। बिल्कुल तो भाई ये दोनों व्लॉग करेंगे, मैं इनको सिर्फ गाइड करूँगा, कैमरा के पीछे रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दूसरी बात, शुरुआत सुबह सुबह आने का था कि शुरुआत करने की हमें यहाँ के ब्रेकफास्ट से। देखिए उसमें भी फीलिंग थी लेकिन वो दिखती नहीं थी, यहाँ दिखती है फीलिंग। ठीक है जी, फीलिंग्स की भी फीलिंग होती है। ये क्या है? यहाँ पर है आलू की सब्जी है, ये यहाँ पर ये देखो ये रॉबिन ने किया, अब फटाफट कर रहे हैं। इन दोनों का एक एक पूरा ट्रिप है दिल्ली का, हम इनके साथ हैं। खूब फटाफट एक बड़ा चैनल है, आप लोग ज़्यादातर लोग जानते हो, हल्का तो ठीक है, मज़ेदार और बिल्कुल मसालेदार है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए ये छोले की जो चने की सब्जी होती है ना, वाइट चने की, वो है और इसकी छोटी सी दी गई है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची वाली है। देखो कितने खस्ता है ये, आप इसको देखिए कितनी खस्ता है, और ये हलवे के साथ खाने में कितना मज़ा आएगा दोस्तों। ये दूसरी चीज़ क्या डाल? ये बूरा है, चीनी का पाउडर। चीनी का बूरा यानी अच्छा अच्छा चीनी का पाउडर बुरा था। हेलो सर, सीख लीजिएगा क्या आज? हाँ हाँ, इसको घर पे बनाना है। ये आ गया दोनों को मिक्स। इनका चल रहा है नाश्ता, शाम स्वीट्स हुआ, लोटन के छोले कुलचे हुए, कहने लगे बहुत तीखा है बहुत तीखा है, बड़ी मिर्चे मिर्चे कर रहे थे, मैंने कहा आओ दौलत की चाट खाओ। झागी झागो मिजाज हरिहर कभी खड़ी हो गई, हरिहर कर लिया। कुछ नाश्ते तो कर लिए हैं, कुछ वक्त गुजारना था, कुछ धूप लगानी थी दिमाग को भी और जिस्म को भी। तो आगे बैठे हैं जाओ, इतने ये बैठे हैं हमारे विपिन भाई फूड फटाफट फटाफट, ये बैठे हैं हम तो रमता जोगी है भाई, रॉबिन भैया, ये रॉबिन भैया है भाई हमारे, हमारे बिहारी बाबू है, और ये हमारे क्या साहब। तो कुछ देर यहाँ बैठेंगे, इसके बाद फिर निकलते हैं काम पे, काम हमारा है खाना और खाते हुए दिखाना, ऐसा ही है जी। टफ काम है, टफ काम है, मगर हम लोग कंसिस्टेंटली करते रहते हैं उस चीज़ को, लोगों को ललचाना 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 किस तरीके से, फूडीज तो ललचा ही जाते हैं, ललचा जाते हैं। वैसे मैंने देखा है ये काफी ललचा के खाते हैं, मैंने देखा है सर जब मैं एडिट पे बैठता, हम वीडियो एडिट करते हैं तो एडिट करते करते मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है ना, खुद को ही देख के। भाई साहब क्या हुआ कि एक बार एक नहारी का वीडियो एडिट कर रहा था तो रात के बज रहे 9:30, फोन किया मैंने कहा भाई एडिट कर रहा हूँ दिमाग खराब हो गया है।
एडिट बीच में रोकी, मैंने कहा एक दो तीन प्लेटें रोक दो मैं आ रहा हूँ अभी, आते हुए देर हो जाएगी, लेकिन भाई उसको नारी में रुकवाया और जाके खा कर आया। भूख लग जाती है सर, देख लग जाती, खुद ही देख के लग जाता है। इसका मतलब ये है कि वीडियो ठीक ठाक बन, वीडियो अच्छी बन रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ठीक है, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, सूरज से बातें करते हैं और फिर चलते हैं अगले काम पास आएंगे। आपको देखना चाहिए पटना का खाना, 100-100 किलो छोटी छोटी दुकानों पे मटन निकल जाता है। ठीक है, 100 किलो, 100 किलो से तो कम कहीं बनता ही नहीं है, कहीं नहीं बनता। और जैसे यहाँ के छोले भटूरे मशहूर है, अभी आपने नाश्ता किया, वहाँ वेज में क्या मशहूर है? पूरी सब्जी, लिट्टी चोखा तो है, वो तो ट्रेडिशनली वहाँ का तो है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है सर। वो गोहाना का किया था, अगला वीडियो गोहाना का ही आएगा, शर्मा जी के साथ ही किया है, उसमें उन्होंने वो 250 ग्राम वाली जलेबी दिखाई, देखने में अच्छी लगेगी, बहुत फैसिनेटिंग होगी, नो डाउट एक अलग यूनिक चीज है। हाँ, यूनिक जलेबी का मेरा एक्सपीरियंस तो दिवाली का ही रहा है, बड़ा जलेबी का एक्सपीरियंस सही है, वो अच्छी होती है। लखनऊ में बड़ी प्यारी जलेबी खाई थी मैंने, बनारस में भी मिलेगी आपको। हाँ, वो इतनी पतली जो होती है, पतली वाली, नेत्राम अजय कुमार है वहाँ, अच्छी जलेबी बनाता है। आप बनारस भी जाइएगा तो लंका में चाची की दुकान है। तो अब तक आपको ये पता चल चुका है कि जब फूडीज एक साथ बैठते हैं तो जलेबी की बात होती है, नहारी की बात होती है, नाश्तों और खानों की बात होती है। खैर, यहाँ हमने कुछ देर ये बातें की और फिर उसके बाद हम दोबारा निकल गए कुछ और फूड हंट करने। आगे देखिए भाई, रॉबिन जो है यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं बड़े जोर शोर से, ये तीन तीन चार चार कैमरा चल रहे हैं एक साथ। काम कीजिए, काम कीजिए, करिए करिए। शायर है जो अपनी बात कहना चाह रहा है खानों से मुतालिक, ये बात कर रहे हैं तो वो शायरी वाले लहजे में खानों को। यहाँ से मुझे हट जाना चाहिए, कहते हैं कि जब आपकी तारीफ हो रही हो तो वहाँ से हट जाना चाहिए। खैर, मैं इस वक्त हूँ तो जामा मस्जिद में ही रॉबिन के और विपिन साहब के साथ। सुबह से अब तक का वक्त हमने गुजारा, उनको बहुत सारी जगह लेकर गया जहाँ तक मेरी ताकत थी, मेरी सलाहियत थी। आखिर में शाही महफिल में चाय पीने हम लोग घुस गए। जब हम शाही महफिल पर आए तो उनको ये बहुत पसंद आया, यहाँ की एम्बियंस पसंद आई, तो उन्होंने कहा यार यहाँ पे भी वीडियो करना चाहिए। हो सकता है कि शायद इनके चैनल पे आपको शाही महफिल का भी वीडियो नज़र आ जाए। श्याम स्वीट से शुरू हो के बहुत जगह गए, चाय शॉप में गए, उसके बाद कहीं जाके बैठे, कुछ लोग गुजारा, कुछ लोग गाँव इतना गुजारा। शाम हो गई, अलीवार पे लंच किया, वहाँ नहारी, बिरयानी, कबाब, बहुत कुछ खाया। बाहर आ गया, ये अख्ताम आज के दिन का हो रहा है शाही महफिल पे। हमें चाय की तलब थी शाही महफिल पर, फ़ोन आ गया था, दोनों चीज़ें एक के अंदर एक जुड़ गई। हमने कहा भाई चाय यहीं पियेंगे, तो यहाँ से हम सब के साथ फूड फटाफट के साथ, फूडी रॉबिन के साथ, मुझे यानी मोहम्मद याहिया को इजाज़त दी।